देखिए मैं ऐसे दोगले आदमी को क्यों फॉलो करूंगा मुसलमान किसी मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है। अब मुझे ये बताइए वो मुसलमान होगा मौलाना कादरी जो अपने 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 पैंट्स को उतार के सलवार को उतार के इधर उधर घूमे मन छोड़ के चले गए मौलाना कादरी उठ गए सवालों से परेशान हो गए जो फलों का जवाब नहीं दे रहे शोभना अब भागेंगे। हाँ अब भाग गए मन छोड़कर अब भागेंगे धमकी दे रहे थे बस हवा निकल गई। तो आज के इस वीडियो में रूबिक का लियाकत ने मौलाना कादरी को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है क्योंकि मौलाना कादरी बोल रहे थे कि आप लोग मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते हैं और उसी के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। तो इसी बात पर रूबिक का लियाकत ने उसे जब धोना शुरू किया तो मौलाना कादरी डिबेट छोड़कर भाग गया क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई जवाब ही नहीं था तो देता कैसे। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे मैं जो आपको बोल रहा हूँ देखिए अब और मजीद नहीं एट द एंड एक बात कहूंगा कि आप लोग मुसलमानों को गलत नाम से पुकारना बंद कर दीजिए। आपको गलत किसी भी मुसलमान को हमने गलत नहीं कहा हो सकता किसी भी मुसलमान को हमने गलत नहीं कहा मौलाना साहब को गलत नाम से याद मत मौलाना साहब को गलत कहा उनके कैरेक्टर वाला काम किया जिन्होंने कोरोना को देश भर में फैलाया बिल्कुल गलत चुप रहिए आप चुप रहिए आप मुसलमान आपके साथ कर रहे हैं हिंदू मुसलमान आप कर रहे क्या मतलब क्या बात करने लग गए मौलाना सादात एसएचओ के पास गए लेटर लेके कि हम जाना चाहते हैं मौलाना कादरी की मौलाना कादरी एक मौलाना कादरी शांत हो जाएगी ये आदमी मुसलमान हो सकता है और सुनिए अरे भाड़ में जाए की जमात लेकिन मैं कह रही हूँ कोई वास्ता नहीं तबलीग की जमात से किसी मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है। अब मुझे ये बताइए वो मुसलमान होगा मौलाना कादरी जो अपने 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 पैंट्स को उतार के सलवार को उतार के इधर उधर घूमे मन छोड़ के चले गए मौलाना कादरी उठ गए सवालों से परेशान हो गए जो फलों का जवाब नहीं दे रहे शोभना अब भागेंगे। हाँ अब भाग गए मन छोड़कर अब भागेंगे धमकी दे रहे थे जैसे डिफाइन करने के लिए कहेंगे ना कि कहो अच्छा और बुरा मुसलमान क्यों है तो भागने लगेंगे। यही दिक्कत है शोभना इनके साथ एक ही टाइम में शोभना इनसे जब इनसे जब तथ्यों पे बात की जाए इनसे जब आमना सामना किया जाए तो ये डर जाते हैं सवालों के चक्कर में नहीं आना चाहते हैं बंद कमरे में बैठकर कुछ भी बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे। जी रूबिका क्या बोल रही है रूबिका नहीं नहीं सुमित एक चीज देखी आपने इस एक आधे घंटे में मुझे टाइम का भी ध्यान नहीं रहा इस एक आधे घंटे में मान लीजिए शोभना शुरुआत कहाँ से होती है मैंने ऐसा क्या कहा फिर ट्रैक कैसे बदलते हैं कि अच्छा अच्छा मैंने ऐसा कहा तो मैं माफी मांगता हूँ फिर उन्होंने कहा हाँ मैं लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगा फिर वापस लौट कर आते हैं कि नहीं नहीं आप मुसलमानों को इतना कंफ्यूज दिमाग शोभना आपने कहीं देखा है जिन्होंने वकायदा वीडियो बनाकर रूबिका और मुझको धमकी दी है दो तीन और एंकर्स के नाम लिए टीवी इंडस्ट्री के मैं ये जानना चाह रहा था बहुत सिंपल सी बात है कि जब जब ऐसे लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन होता है सवाल जवाब मुंह पे पूछे जाते हैं तो ये आलम होता है पहले तो माफी मांगेंगे और फिर उठ के भाग जाएंगे। ये सिर्फ बड़े लोगों को टारगेट कर अपनी नेतागिरी कह लीजिए आप या अपनी मौलानागिरी कह लीजिए आप वो चमकाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सच है कि ये लोग ऐसी बातें इसलिए करते हैं ताकि ये लोग अपनी राजनीति में पकड़ बना सके कुछ लोगों को खुश करके और जब सवालों में फंसते हैं तो ऐसे ही डिबेट को छोड़कर भाग जाते हैं बीच में ही। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।